होली को त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मूड पर आ गया है। होली को त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से हरकत में है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बाजारों में जहां खरीदारी की भीड़ दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ खाद्य विभाग की टीम मिलावट को लेकर भी पूरी तरह से एक्टिव है। देहरादून में खाद्य विभाग की टीम ने कई सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर भेजा गया है। खाद्य अधिकारी ने बताया है कि लगातार सैंपल लेने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। होली के त्यौहार को देखते हुए अधिकारियों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। त्यौहारी सीजन में मिलावट खोर लाभ कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसको लेकर सख्त चेतावनी दी गई है और लगातार गुणवत्ता की जो जाँच की जा रही है। तो होली का त्यौहार सर पर है, इसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो खाद्य विभाग है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। जो मिलावट खोर हैं उन पर नकेल कसने के लिए कई सैंपल मार्केट से उठाए गए हैं, उनको जांच के लिए रुद्रपुर भेजा गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मिलावट खोर चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो होली में, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए हमने स्पेशल ड्राइव जो शुरू किया, जो 4 तारीख से स्टार्ट हो गया, और इसमें जनपद के समस्त जो तहसीलें हैं वहाँ पे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी टीम गठित की गई है और उनको निर्देश दिया गया है कि वो स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से बॉर्डर पे चेकिंग करें और साथ में अपनी अपनी अधिकारिता में जो उनके जो मार्केट हैं वहाँ पे जो भी मिष्ठान या डेयरी प्रोडक्ट, मसाले हो गया, बेसन हो गया, जो आम चीज़ें हैं जो इस त्यौहारी सीजन में जिनकी खपत बढ़ जाती है, उनके नमूने संदेह के आधार पर एकत्रित करें। सागर हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए। सागर, होली का त्यौहार नजदीक है, मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ तैयारी स्वास्थ्य खाद्य विभाग ने की है? बिल्कुल, खाद्य विभाग लगातार नजर आ रहा है। जेसी कंट्रोल के मुताबिक जो है वो सभी फूड इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया है और तमाम जगह से जो है वो मिठाइयों की दुकान की बात की जाए या तमाम संस्थानों की बात की जाए, मिष्ठान भंडारों की बात की जाए, तो वहाँ से जो है वो सैंपलिंग ली जा रही है और उनको भेजा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से होली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोर जो है वो लगातार सक्रिय हो जाते हैं, इसको देखते हुए खाद्य विभाग जो है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जी सागर, कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है, सैंपल भी लिए गए हैं, लेकिन जो मिलावट खोर होते हैं, जो अपना काम करते हैं, उन पे नकेल पहले से कैसे कसी जाए, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि खाद्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, फूड इंस्पेक्टर को निर्देश दिए जा चुके हैं, लगातार सैंपल्स लिए जा रहे हैं, कई जगहों के सैंपल्स ले लिए गए हैं और कई जगह के आगामी समय में लिए जाएंगे। जैसा कि जेसी कंडवाल के मुताबिक जो है वो तमाम तरीके से फूड इंस्पेक्टर्स अलर्ट मोड पर है और रुद्रपुर इन सैंपल्स को भेजा जा रहा है और अगर इन सैंपल्स में कोई भी खामियां पाई जाती हैं तो उनके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही जो है वो की जाएगी। ठीक है सागर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून से हमारे संवाददाता सागर जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अधिकारी जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो